हेलो गाइज, कैसे आप लोग। तो गाइज, अभी अपनी सीरीज चल रही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इससे पहले एक प्लेलिस्ट बन चुकी है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर बेसिक सी बातें आपने कवर कर दी। एंड अब आपन सेकंड प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इस प्लेलिस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या होती है, वो सब बेसिक्स आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपनी वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की केमिस्ट्री क्या है। अभी यार बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री का क्या कंसेप्ट है, वो पूरी प्लेलिस्ट कवर हो जाएगी। उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स होता है, क्या लिपिड्स होता है, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, मोलिक्यूल्स क्या होता है, एटम क्या होता है, बायो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, किस किस चीज़ में वो हेल्प करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस केमिस्ट्री ऑफ लाइफ प्लेलिस्ट के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन, मतलब ये होता क्या है। तो ये देखो गाइस, सबसे फर्स्ट मैंने कह रहा कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। अपनी बॉडी किन किन से बनी है, सेल से, और सेल्स के अंदर क्या है, एटम्स देखने को मिलेंगे, वही कुछ मॉलिक्यूल्स है, वही एसिड प्रोटीन फैट एक्सेट्रा कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स, वो सारी चीजें अपने को अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। इन्हीं सब का क्या फंक्शन है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, और इस फंक्शन और स्ट्रक्चर को आप बायोमोलिकुलर लेवल या फिर सेलुलर लेवल पर स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, कोई भी, उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह वो बॉडी में हेल्प करें, क्या उनका मैकेनिज्म काम करता है, वो सब स्टडी करते हैं आप केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंदर। तो ये होता है अपना केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। देन इसके बाद कह रहा है कि इसके अंदर आप स्टडी करते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस उसका क्या नेचर है, मींस कि कोई भी सब्सटेंस उसका नेचर क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत टाइप के होंगे, उनका बॉडी के अंदर क्या काम होगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करें, फैट है तो वो एनर्जी स्टोर करें, तो इट मीन्स उनका क्या नेचर है। उसके बाद वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद उनका क्या मैकेनिज्म है फॉर्मेशन का, और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होगा कौन सा, कोबाल्ट होगा, आयनिक होगा, कौन कौन से बॉन्ड है, वो स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ में ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है इनकी फंक्शनिंग क्या है, वो सब आप स्टडी करते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंदर। एंड देन गाइज, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो सब यहाँ अपने को देखने को मिलेंगे। देन गाइज, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंदर, तो वो देखते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये जितने भी टॉपिक है ये ह्यूमन बॉडी के बेस पे ही बात करेंगे, एनाटॉमी फिजियो के अंदर क्या कंसेप्ट है उसके बेस पे इन टॉपिक्स की बात की जाएगी। देन उसके बाद एसिड होगा, एसिड के बाद बेस देखने को मिलेगा, फिर पीएच, पीएच स्केल, बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू क्या होती है, बफर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आप कवर करेंगे। उसके बाद आएंगे कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन होगा, एमिनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, तो इन सब के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सारे कंसेप्ट आप इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स मींस अमीनो एसिड क्या क्या होते हैं, इसी के अंदर कवर कर देंगे उनको। उसके बाद एंजाइम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फंक्शनिंग है, वो सारा यहाँ कंसेप्ट कवर होगा। उसके बाद बॉडी मूवमेंट्स यहाँ कवर की जाएगी, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, इनका क्या कंसेप्ट होता है, बॉडी के अंदर कौन 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 से फ्लूइड प्रेजेंट है, उसके अंदर ये डिफ्यूजन होगी, ऑस्मोसिस होगी, कौन कौन से पार्टिकल्स मूवमेंट करें, वो सारा कंसेप्ट यहाँ मूवमेंट में बात करेंगे। उसके बाद बॉडी फ्लूड्स, ये मतलब बॉडी में फ्लूड कौन कौन से होते हैं, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर का क्या काम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या काम होता है, तो ये सारे कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री ऑफ द लाइफ प्लेलिस्ट के अंदर। और हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये सब टॉपिक आप कवर करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप इस तरह की वीडियोस को इन फ्यूचर मिस ना कर सको। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप गाइस अपने ब्लॉग पे जाके चेक कर सकते हो, डॉक्टर इनसाइट अकेडमी, या गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ आपको पूरी ब्लॉग मिलेगा, और उस ब्लॉग में ये सारे रिटन फॉर्मेट में आर्टिकल्स मिलेंगे, वहाँ से आप आराम से उनको कॉपी पेस्ट या डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।